संपूर्ण दर्शक वृंद में नमस्कार। हम वैद्यनाथ अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत करते हैं और आज हम जानकी टेलीविजन में अपने के आमंत्रित कैले छी जे कि उनकर परिचय के मोहताज नहीं छथिन। उ जनकपुरे नहीं, नेपाले नहीं, अभी एशिया भर में जे कि 27,000 ज्योतिष में उनकर अभी 7 रैंक लिया, जे कि उ अभी अपन सबके जनकपुर धाम के नाम भी रोशन कलखिन। वो छथिन विवेक पांडे जी, उनका हम सब पहले स्वागत करिए अपने के जानकी बस में स्वागत। संपूर्ण श्रोता के साथ साथ वैद्यनाथ जी के, जानकी टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले बहुत सामाजिक संजाल में आये छे, जना अभी जे हमहू पढ़ते जे दिलिए कि एशिया भर में जे 27,000 ज्योतिष में अपने के जे 7 रैंक आयल रहल, सबसे पहले वही के विषय में बताएल जाओ, ये वो हमारे गर्व के भी बात है। जी जी, सर्वप्रथम हम जे परिवार से बिलोंग करी छी, पुश्तैनी तरीका से हमरा सबके परिवार में ज्योतिष विद्या आ रहल है। हमरा लिए कोनो नया क्षेत्र नहीं रहले ज्योतिष विद्या अथवा ज्योतिष शास्त्र। बाबूजी के अध्ययन अध्यापन, उनकर मार्गदर्शन, साथ साथ जहाँ से विद्या प्राप्त कैली ओ गुरु सबके मार्गदर्शन से भारतवर्ष में गेला के बाद में बहुत संघ संस्था संगठन सबसे जुड़ाव भेलै। तो सदैव ये इच्छा रहे कि ज्योतिष विद्या के कहीं न कहीं व्यक्ति सब दूसरे भावना से देखे छथिन, ठग प्रकार की विद्या के रूप में बहुत लोग के जनमानस में। हालांकि एक प्योर वैज्ञानिक सिद्धांत है, बिना वैज्ञानिक सिद्धांत के ज्योतिष विद्या न है। एक विभिन्न प्रमाण है, एगो साधारण प्रमाण हम की देवे ला चाहबे कि कोनो भी प्रकार के घटना उपघटना के पहले हम सब भविष्यवाणी जे करी छे आधार पर। हमरा सब के उड़ीसा में सम्मेलन भेल रहे, ओहि उड़ीसा में विभिन्न स्थान सब के जगह सब के ज्योतिष सब जुटलखिन। हम आधुनिकरण ज्योतिष विद्या में आधुनिकरण एगो रूढ़िवाद अथवा जो पुरान परंपरा है ओके तोड़े के प्रयास के लिए, तोड़े के प्रयास अय अर्थ में कि व्यक्ति जे तरीका से समझ रहल छथिन उनका वही तरीका से समझावे के आधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के चाहिए अभी सब चीज में। वही के आधार पर सम्मेलन में विश्लेषण सब भेली, हम सब अपन अपन गंतव्य उनका सबके बीच में रख लिए। वही के आधार पर सब व्यक्ति के कोई टाइटल प्राप्त भेले, किशोरी जी की कृपा हमरो मौका भेल सम्मानित होए के। सब जनकपुर वासी नेपाल वासी के प्रेम है, सम्मानित छी। और गुरुजी अभी के बात अभी करबे, जना आपने ज्योतिष विद्या पर कहली नहीं, लेकिन अभी देखल जा रहा है कि वास्तविक में सब गुरुजी के विषय में तो नहीं कहबे, लेकिन बहुत जगह अपने के गुरुजी बन करके और ज्योतिष विद्या के नाम पर कि अहाँ के घर परिवार निक भ जाए, अहाँ के पति बढ़िया भ जाए, धन सम्पत्ति भ जाए कह करके बहुत ज्यादा ठगो ठगंती हो जाए, वैसे भी तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे ना अपने सब पर भी। मैंने एकदम अपने के बात से इसे हम सहमत छे। खाली ज्योतिषी से विद्या के अथवा ज्योतिषी के टारगेट नहीं करके हर एक क्षेत्र में विद्वान होइ छथिन, हर एक क्षेत्र में कुछ कोई प्रवृत्ति के व्यक्ति सब रहै छथिन जे कि अपन खाए के रोजी रोटी के माध्यम बनेले रहै छथिन। तो समाज में हर एक व्यक्ति के अपन पहचान है, खूबी है। जेना एगो साधारण एग्जाम्पल जे लेल जाए, उदाहरण एगो एचआई डॉक्टर है, कोनो सर्टेन गांव में कोनो जगह पर उनका खूब प्रतिष्ठा प्राप्त होते। अब ऐ के अर्थ ई नहीं कि एगो एमडी डॉक्टर के ऊपर तर कह लेथिन, कैला उनका अनुभव है, एचआई के पास अनुभव है, काम करते करते वह पारंगत भ सके छथिन। लेकिन नहीं, विद्या के साथे साथे अनुभव वो कुछ विशेष निखार लवे। वही प्रकार से सब विद्या के प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य परंपरा बनाल गेल है, आधार बनाल गेल है। ऐ चीज में अपने के सतर्क रहे पड़ते कि के ऑथेंटिक छथिन, के सही छथिन इस क्षेत्र में, उनके पास में गेला पर निश्चित जनमानस के सही मार्गदर्शन प्राप्त होते। आ नहीं, यदि बस सुनल सुनायल पर विश्वास करके तो हाँ ठगाए के बहुत अवस्था। अच्छा गुरु जी, वो बात अपने बताए जाओ, जना अभी जे समय चल रहा है एमे एगो भविष्यवाणी के भी समय है, भविष्यवाणी भी गुरु जी सब कहे छे, जना अपने के भी विषय में अबैत रहे बीच बीच में कि हाँ ई भविष्यवाणी करिए, शेर बहादुर देववाजी प्रधानमंत्री बन गए, अनेक किस्म के भविष्यवाणी सबके बात अब ई वास्तविक में जे भविष्यवाणी के जे बात सब अबैत छे, तो ई की पढ़े पड़े छे, एकरा सबके ज्ञान लेबे पड़े छे कि कोनो
दैविक शक्ति के हिसाब से अहां सब जैसे भविष्यवाणी करी छी अपने के देव विद्या ज्योतिष शास्त्र के देवता से जुटल विद्या के संज्ञा प्राप्त थे बसरते देव विद्या है ते के साथे साथे कुछ नॉर्म्स कुछ वैल्यू है खाली विद्या प्राप्त क लेला से खाली अध्ययन क लेला से क्यों एकदम पारंगत ज्योतिष बन जाते से नहीं कहा जा सके वही के साथे साथे ज्योतिष विद्या के साथे साथे अपन इष्ट के कृपा जे जिनका अपने माने छे जिनकर मार्गदर्शन पर अपने चले छे अपन गुरु के कृपा बहुत जरूरी है बिना उनकर कृपा के बिना अपन इष्ट के सिद्धि के कोनो भी व्यक्ति कोनो भी क्षेत्र में ज्योतिष विद्या ने कोनो भी क्षेत्र में सफल नहीं भ सके एगो तो ई विषय भेले दोसर चीज ज्योतिष जे है दिन तिथि मिति नक्षत्र वार योग करण इस सब के कॉम्बिनेशन से मिलके कोनो भी व्यक्ति के हम सब जे विश्लेषण करी छी अथवा भविष्यवाणी करी छी जत्ते सटीक वो अपन अपन डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ऑफ बर्थ ये सब प्राप्त हमरा सब पे करा देते हैं उतने सटीक गणना उतने सटीक विश्लेषण हम सब उनका सबके दे सकबे बस अते डाटा यदि गलती रहते तो वो आधार नहीं भेले तो सही ऑथेंटिक अपने जो डाटा प्रोवाइड करबे तो हाँ निश्चित कहल जा सके ज्योतिष विद्या ठोकुआ करे ही कोनो चीज के कि हाँ ये चीज अही प्रकार से होइबे करते एमे कोनो संशय नहीं बहुत छोट उदाहरण साल भर में अपना सब देखी थी लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो खगोलीय घटना है जो अपना सब अपना नेत्र से अनुभव करी छी वर्ष के शुरुआती में बैसाख में जो हम सब पंचांग के निर्माण करी छी अथवा कैलेंडर के निर्माण करी छी वही समय में लिखल रहे कि कार्तिक इतने गत्ते की इतने बजे से इतने बजे ग्रहण लगते आकाश में वही समय में अपने जाकर के देख सके छी एकदम सटीक दिखाते कि लाग रहा है विद्या मतलब कुछ गणित एकर एहन बनायल छे कि अपने सब जना अभी कहल गेले या कि किनको भविष्य देखा के है तो उनकर जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब एक्यूरेट देल जाए तो ऊ चीज गणित के हिसाब से अहां सब निकाल के ओके जैसे सही वर्णन कर हां गणित एगो माध्यम गणित भेले दूसर भेले इष्ट के कृपा हम कह लिए इष्ट के कृपा के अर्थ की हो गेलै जे ऊर्जा अथवा जे देवता के अपने के बहुत ज्यादा मानी छी उनकर आराधना से उनकर अनुकंपा से अपने के सेहो भविष्यवाणी कर जा सके बहुत एहन ज्योतिषी सब हुई थी छथिन जे आधिकारिक तौर पर विद्या नहीं प्राप्त कैले छथिन फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी बहुत फेमस भ गेल छथिन बागेश्वर धाम से ओ कहै छथिन सीधे भाई हम कुछ पढ़ल लिखल नहीं छी बागेश्वर बाबा के बात हम अपने के लेती लेकिन अपने ला देलिए हमने टच करे के प्रयास के लिया कि उ सीधा कहे छथिन हम कुछ नहीं पढ़ले छी बस हमर विद्या गुरुकुल परंपरा से प्राप्त भेल है हाँ हमर भगवान के कृपा है हमर हनुमान जी के कृपा है ओहि के आधार पर हम विश्लेषण करी छी सही है तो उ जे ना अभी करी छथिन तो मान ले जाओ जना किनको पर्चा निकाली छथिन ने लेकिन बहुत मीडिया सब में भी अभी रहे छथिन कि इनकर अपनो आदमी भ सके छै मिलाइयो कर सके छै पहला तो ओते के बीच में किनको बुला लेते हैं उनका भविष्य के बारे में सब चीजें बता दी थी मैं ले जाओ कुछ प्रश्न चिन्ह उनका ऊपर बनते जैसे जी कह रहे थे एकदम सही थे समाज में दो प्रवृत्ति के आदमी है हर एक समाज में दो प्रवृत्ति के आदमी है अब एगो प्रवृत्ति सब दिन संशय में अपन जीवन बिता देते हमरा ई चीज नहीं मान ला से कि हवा के अस्तित्व नहीं हवा के समाप्ति नहीं हो जाते जते जल्दी अपने वही के अस्तित्व के स्वीकार कर लेबे उतने जल्दी अपने वही के फायदा होकर रस के प्राप्ति कर सकबे वही प्रकार से प्रश्न चिन्ह तक कहल जाए कि धरती के जब तक अध्ययन नहीं भेल रहे तो धरती सपाट है बहुत वैज्ञानिक सब कहलखिन लेकिन बाद में पता चल ना अपना समय तो सब दिन से है ना भूगोल वेद में क्लियरली खाली भूगोल मतलब भूमि जो है गोल है वेद में शब्द सुनबे आ वैज्ञानिक के खोजे पर ले यदि धर्म के अभिज्ञान के साथे साथे लेके चलल जाए तो निसंदेह जे चीज अपने 10 वर्ष में प्राप्त करे वाला छी वो 1 वर्ष में प्राप्त करबे पर्चा पर चिन्ह भेले चाहे कोनो भी कृपा पर नहीं यदि उनका पर प्रश्न चिन्ह है चाहे कोनो भी व्यक्ति पर अपने प्रश्न चिन्ह लगावे छी सबसे पहले देखे पड़ले अपने के ओहि क्षेत्र में अध्ययन करते अपने ओहि क्षेत्र में पारंगत करते छी
एबीसीडी के नॉलेज ना है, एगो पीएचडी से अपने ई क्वेश्चन करे ला चाहे छे कि अपने के विद्या के अनुभव ने पहले अपने अनुभव करे पड़ते। तो समाज में बहुत व्यक्ति एहन छथिन जते ले स्वीकार कर ले छथिन शिखर, अब बहुत देश के राजा महाराजा मंत्री प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्ति सब सब पहुंचे छथिन ज्योतिष, ज्योतिष ल पहुंचे छथिन। यदि ई विद्या झूठ रहती है तो कोनो आधार नहीं रहती ना। धर्म में आ विज्ञान में सदैव से विवाद है, वो दूसर विषय भ जाते। लेकिन जहाँ तक संभव तक कहल जाए, धर्म के बिना विज्ञानों के अस्तित्व न है। धर्म धारण करे योग्य है। धर्म अपना सबके ई सिखावे कि जीवन के शैली की होय के चाहिए, जीवन के तरीका की होय के चाहिए, कौन तरीका से जीवन यापन कैल जा सके है, वह शांति से चीज धर्म सिखावे है। विज्ञान के सदैव ई प्रश्न चिन्ह रहे, नास्तिकवादी बनावे के प्रयास कर रहे विज्ञान। अच्छा एगो चीज गुरु जी बताए जाओ अपने, अभी टटका घटना एक घंटा पहले घटना हम से बात कर ले चाहो, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। अभी उद्योग वाणिज्य संघ के अभी जे निर्वाचित भेला सुरेंद्र भंडारी, अभी निर्वाचित होते अपने के घरे गेल रहें, अभी सामाजिक संजाल पर अभी आयल रही है कि जैसे हमर एना एना भविष्यवाणी भेले कह करके पंडित जी लग पहुँचली, अ विषय में की कहले चाहबे अभी अपने? अब कुछ पारिवारिक बात है, कुछ तौर तरीका है। बहुत बढ़िया छवि के व्यक्ति छथिन। कहाँ भविष्यवाणी कैले रहली है? हाँ, सुरेंद्र जी के पता है, हमरो पता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन वोट प्रभावित नहीं हुए, हमर सबके सब दिन से इच्छा रहे। अच्छा, ये वो चीज हमरा कह देला से वोट प्रभावित नहीं होए के चाहिए। पहले तो नहीं कहले रही किनको मैं नहीं कहले जी व्यक्ति छथिन लेकिन उनका जानकारी, लेकिन आज उनका जानकारी थे, लेकिन आज सामाजिक संजाल पर बात अभी आली की एक घंटा पहले ने दोसर बात और हमरा बताएल जाओ। जना तीनटा कैंडिडेट लड़ल रही मिल जाओ, तो सुरेंद्र भंडारी जी मात्रे के लड़थिन कि वहीठा मन और भी दो कैंडिडेट अपने से मिलल थी? बहुत चीज ना है जी मीडिया पर नहीं खोलल जा सके। अच्छा, जे चीज से हर एक व्यक्ति के साथ हमारे वो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध भी हमारा लेल उतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम सब कोई के मार्गदर्शक छी, पूरा जनकपुर वासी हमारे एकदम प्रिय है, पूरा जनकपुर वासी सब से गलती नहीं गलती अपने आई पर प्रश्न चिन्ह रहा है। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब दोसर मुद्दा पर आ जाओ। अभी अपने के हर एक आदमी के राशि देखी छी अपने सब ने, और राशि के विषय में अपने सब बतौबित जी के आय के वृक्ष राशि सिंह राशि के ई होय वाला कह करके ने अपने सब डेली दैत रहै छी अधिक पर, अय के विषय में बताएल जाओ केना आय के उनकर के विषय में सब राशि के विषय में अपने बड़ी सी बात ई बात मिली जी। बहुत सुंदर प्रश्न है, समय संदर्भिक प्रश्न है, और बहुत व्यक्ति अपन दिन के शुरुआतो जे करै छथिन। एक दिन जे राशिफल हम सब जे अपलोड नहीं कैली कहीं जे नहीं पब्लिश भेला, तो मीडिया साथी सबके क्वेश्चन रहे गुरु जी आई तो बहुत कॉल आले बहुत मैसेज आले, लेकिन बहुत एगो नियम बना लेल छथिन भोरे देख के शुरुआत करे के। बारह गो जोडेक साइन है जेकरा के अपना सब राशि कहै छी, 27 कॉन्स्टिलेशन है जेकरा के अपना सब नक्षत्र कहै छी। ई नक्षत्र आ वारा राशि, ई राशि नक्षत्र के कॉम्बिनेशन आ चंद्रमा के पोजिशन, यानी कि मून के की पोजिशन कौन हाउस में बैठल छथिन, वही के आधार पर हम सब दैनिक राशिफल के प्रिपरेशन करी छी, बनबै छी भविष्यवाणी होई। सटीक भविष्यवाणी किनका साथे मैच करते ई एगो प्रश्न है। अब कोनो बच्चा के जन्म भेले ओकर नाम अपने धा देली कि अब बच्चा के नाम गंगा प्रसाद लिख देवे के, वही जगह पर भ सकी ही बच्चा के साथे राशिफल नहीं मैच करते। अच्छा, कैला नहीं मैच करते, गंगा प्रसाद रिप्रेजेंट कर रहल है कुंभ राशि के, लेकिन बाय बर्थ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समय के हिसाब से जे जगह उनकर जन्म भेल है वही के हिसाब से ओकर नाम यदि कुंभ आते तो उस सब चीज ओकरा साथे मैच करते है। यदि कुंभ राशि न है उनकर बर्थडे डिटेल के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यदि दूसरे राशि आ रही तो वही राशि के साथ उनकर मैच करते। अच्छा अच्छा, कुछ फर्क पड़ जाए? हाँ, निश्चित फर्क पड़े, मतलब फिर जना बच्चा जिनका जन्म लेल के जना 7 दिन के बाद जे छठियार होई छै वही के बीच में यदि उनका राशि दिखा करके नाम रखा जाए तो बढ़िया होते अपने कहे के अनुसार जी। ई अपना समय 16 गो संस्कार के परंपरा है, आधुनिकरण के चलते अपना सब अपन रूट के बेस के बिसर रहल छी। 16 संस्कार के परंपरा में सबसे पहिल का परंपरा नामकरण, नामकरण परंपरा जे है
कि हरेक व्यक्ति कोनो न कोनो अपन गुरु से जुटल छथिन आ उनकर गुरु के आधार पर उनका जाय के चाहिए बुझे के चाहिए कि बच्चा के जे हमर जन्म भेलै ई बच्चा के हमर की नाम की संज्ञा कोन नक्षत्र में भेलै एकर आबे वाला भविष्य की है। पौराणिक काल से यदि जोड़ल जाए रामू जी के जन्म भेल रहे, रामू जी के जन्म भेल तो दशरथ जी अपन गुरु के पास गेल छलखिन ओहि के आधार पर उनके राशि के हिसाब से नाम प्रिपेयर भेल रहे। ठीक है, 14 बरस उनका वनवास। हाँ, 14 बरस वनवास भेल के अब नियम रहे प्रकृति रहे ईश्वर छलखिन वो सीधा कहे छथिन कि हम राम छी मर्यादा में आयल छिये या जे कार्य के लिए धरती पर आयल छलखिन वो कार्य पूरा 14 वर्ष यदि नहीं जीती हथिन तो रावण के अंत होती है, रावण सुनकर भेंट घाट होती है। जब रावण से भेंट घाट नहीं होती तो उनका उद्देश्य रहे धरती पर आके सब ऋषि मुनि सब जाके उनका कहलखिन प्रभु त्राही माम विष्णु भगवान के लग में, तब विष्णु भगवान अपने रूप ले ले छथिन। कर्म आ भाग्य अति सटीक है। अपने के बहुत छोट उदाहरण हम देवे ला चाहबे कि राम जी मर्यादा में छलखिन आ कृष्ण भगवान देखलखिन कि कलयुग में जिये के है तो एगो तरीका दे देले छथिन भागवत गीता के हिसाब से कि कलयुग में की जिये के परंपरा है। ईश्वर मानव रूप में आके अपन मर्यादा के दिखावे के लिए हम धरती पर आयल छी हमहू मर्यादा में बंधल छी तो सामान्य जनमानस के तो बातें छोड़ देल जाए। अपना सब में जते भी पर्व त्योहार सब बनाएल गेल समाज में मर्यादा कायम करे के लिए बनाएल गेल। चल गुरुजी, अब भविष्यवाणी के विषय के अब बाद आ जाओ, अपने सब वास्तु पर बात करियो। अभी जना घर द्वार बनल छै, अपने सब वास्तु जे देखै छी मैंने वास्तविक में घर द्वार में वास्तु के ही हिसाब से घर द्वार बनाएल जाए अभी नहीं बनी तो ओके की समस्या उत्पन्न होइ छै, आ वास्तु के हिसाब से बनी है तो की नीक होइ छै बताएल जाए। सबसे पहले अपना सबके अर्थ बुझे पड़लै आखिर वास्तु शास्त्र है वास करे वाला स्थान ओकरा कोन तरीका से अरेंज कैल जाए कि ओहि जगह के पर्याप्त ऊर्जा अपने के प्राप्त होते। जेना एगो उदाहरण के लिए कुर्ता बनल है, कुर्ता कहाँ पर शोभा दे रहा है शरीर के अपर बॉडी पोर्शन पर ऊपर के पोर्शन पर, यदि कुर्ता नीचे पहन लेते तो केहन रहते नहीं मैच नहीं चले में अनिजी होते अनबैलेंस्ड बुझाते अशोभनीय लगते। वास्तु में 5 गो तत्व के बैलेंस करे के तरीका बताएल गेल है कि कौन प्रकार से 5ों तत्व के बैलेंस कैल जाए कि जे भूमि पर जे स्थान पर हम वास करी वो एक भरपूर सुख के प्राप्ति कर सके। वही सिद्धांत पर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश वास्तु के मिलावे के तरीका के अर्थ हो गए भगवान के मिलावे के प्राप्ति के तरीका। पहला तो अपना समय बड़ी सुंदर सुंदर विश्लेषण है वेद में भगवान के अर्थ हो गए भूमि गगन वायु अ के मात्रा अग्नि न से नीर वे 5 गो तत्व है, वे 5 गो तत्व के बैलेंस करे के अर्थ हो गए वास्तु परफेक्ट हो। अब बहुत छोट उदाहरण दे रहा छे अभी तक ले नहीं ज्यादा तो 27-28 हजार घर के हम वास्तु अभी तक देख ले हो गए। 28 हजार एक महीना में हमारा सबके जे जर्नल हम सब निकाली थी तो एक महीना में नहीं बेसी हम 3 से 4 हजार वास्तु देखी थी लेकिन नक्शा के रूप में रही है घर के रूप में रही है फैक्ट्री के साइट के रूप में रही है बहुत एहन घर निर्माण भ गेलै ओकर सुधार के रूप में अभी है। अच्छा यो चीज बता जाओ बीच में कहीं काटो अपने के गुरु जी की जना घर पहले से निर्माण किनको भ गेलै ने वो अपन तरीका से घर बना देले है आ उनका घर में वास्तविक में अधि वास्तु स्थिति के हिसाब से नहीं बनल है कि उनका घर में समस्या उत्पन्न होते होते निश्चित समस्या उत्पन्न होते होते एकदम होते कोनो संशय नहीं में। जेना जते भी श्रोता छथिन हम एक बेर अपने सबके इहो प्रयास करबै कोशिश करबै कि अपने सबके एहिके बारे में आरो अधिक से अधिक जानकारी कराए हम अभिनाथ जी मिलके पर बात करबै। लेकिन वास्तु के बारे में अपने सब देखबै जिनका जिनका घर के भूमि के पूर्व उत्तर जेकरा कि नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन कहल जाइ है ईशान कोना यदि ओहि जगह पर टॉयलेट सेफ्टी टैंक एहन कुछ निर्माण भेल है बहुत ज्यादे नहीं 7 वर्ष के बाद मेंटल के स्थिति क्रिएट हुई घर में वास्तु के अपने सब के हम विश्लेषण देते छलिया
बीच में हम सभी से वस्तु से किनका हट लिया, जेना ये धरती पर जिए के आधार की है सूर्य छथिन, भगवान सूर्य छथिन आधार। तहिले एगो कहावत बनल है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जते भी ऊर्जा के स्रोत है धरती पर भगवान सूर्य नारायण छथिन। अपना सब सनातनी पद्धति प्रकृति के पुजारी छी, प्रकृति के हरेक वस्तु के सम्मान के दृष्टिकोण देले छी। ऐ के पछाड़ी के की उद्देश्य छले, प्रकृति के संरक्षण बचावे के। जब भगवान सूर्य निकली छथिन, अब तो बहुत व्यक्ति सब अबेर से उठी छथिन तो बहुत देखी छथिन नहीं देखी छथिन, लेकिन कोशिश करब सवेरे उठ के यदि अपने भगवान के सूर्योदय देखबै जे प्रकार से होई है, धरती के ईशान कोना पूर्व उत्तर के केंद्र से भगवान सूर्य उगे छथिन। भगवान सूर्य के पास ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, हीट एनर्जी ही उनका पास में। आए धरती पर अधिकांश मात्रा में जल के स्रोत है, धरती के चार गो पोर्शन में से तीन गो पोर्शन जल तत्व है। तो जब ही सूर्य निकली छथिन, कोनो भी घर में जब ईशान कोना से सूर्य आकाश में उदय आ धीरे धीरे चढ़े लगे छथिन, तो उनकर जो किरण है कोनो भी घर में पूर्व उत्तर से प्रवेश करी। यदि अपने के घर में पूर्वे उत्तर में टॉयलेट हो जाते तो वो किरण कौन प्रकार की एनर्जी पूरे घर में ले जाते, निगेटिव एनर्जी पूरा घर में ट्रांसमिट कर देते। वही एनर्जी के कारण से की है पूरा घर के वातावरण डिस्टर्ब रहते, मेंटल स्थिति बहुत केस में हम सब एहन देख ले छी कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट सेफ्टी टैंक रेड कलर अथवा कोनो भी पॉइंटेड वस्तु रेड कलर के कोनो बहुत बड़का बक्सा यदि वो रखल है तो उन स्थिति में नेत्र संबंधी डिजीज हो जाई है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट एक्सीडेंट मेजर चोट पटक पागलपन के स्थिति इस सब से क्रिएट करी छथिन। यदि कोनो भी घर के साउथ ईस्ट में जल तत्व आ जाए तो कैश रिलेटेड प्रॉब्लम वही घर में बहुत ज्यादा फील कर दे। यदि वही सेक्शन में अपने ब्लैक कलर लगा दे वो फिर चोट पटक की स्थिति के निर्माण करते। ये फॉर्मूला सभी अपना सब ऋषि मुनि सब बहुत अध्ययन शोध करके, हिंदू परंपरा सनातनी परंपरा तो इतनी सुंदर है कि सब चीज के अमृत निकाल के कोड करके धा दे, बस पढ़े ला नहीं चाहिए आदमी। मतलब कि ऐ सबसे जहाँ से एगो परंपरागत पहले के समय के हिसाब से जहाँ से अपने के जो वास्तु के हिसाब से चलते आ रहा है, जो अपने कह ली कि नहीं एक खाली परंपरा से नहीं जोड़ल जाए, एक विज्ञानों से जोड़ल जाए। अभी के विज्ञान उतने विकसित नहीं भेल है जे सब चीज के बुझ जाई थी, बसरते विज्ञान मानी की कहाँ ही वास्तु, विज्ञान प्रॉपर मानी ही वास्तु के। अभी जे भारत के जे अपने के संसद भवन बन रही है पूरा वास्तु के आधार पर निर्माण भेल है। अपना सब के नेपाल के संसद भवन ही वास्तु के हिसाब से गलत है, अच्छा। कि नेपाल में देखियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहियो नहीं भ सके, अच्छा। सुधार करे पड़ते। ए मतलब अभी जे भारत के पहले छलिए से और अभी जे बन लिए से नया में बन लिए, अभी जे नया में बन लिए से वास्तु के हिसाब से बन लिए। मोदी जी अपने खुद भी मान लेल जा सनातनी से लागल छथिन वही हिसाब से बनल की, लेकिन अभी जो अपने नेपाल के बात कलिए, अब नेपाल पर बात कल जाए, जना अभी नेपाल के विषय में अपने बात के लिए, वास्तविक में बहुत दिन से देखल जा रहा है कि नेपाल के राजनीति जना माओवादी के समय से लेकर के और अभी तक बहुत अस्थिरता, बहुत समस्या, बहुत कष्ट में तक जनता सही रहा है। वैसे पहले करीब करीब जब कुछ ठीक छे शांतिपूर्ण छे, लेकिन जब से मान लो कुछ दिन द्वंद्व सब उत्पन्न भेल तहिया से लेके आज तक उथल पुथल हो रहा और समस्या भी भर रहा। अपने कहलिए मान ले जाओ संसद भवन, संसद भवन के भी कुछ इसमें बात आ रहा है। नेपाल की स्थिति के बारे में बताया जाओ, अभी नेपाल के राजनीति के विषय में बताया जाओ के ना। यदि अपना सब नदी के किनार में बैठल छी, अपेक्षा की भ सके है, नदी के हवा सुंदर हुई बहते, ठंडा हवा शरीर में लगते, मन चित्त प्रसन्न हो जाते। किकर ऊर्जा है, नदी के ऊर्जा है। वही प्रकार से हरेक भूमि की अपन ऊर्जा है, जरा की विज्ञानों मानी है ओकरा एगो शब्द देले है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस में अपने के अध्ययन करायल जाए है कि शरीर के भीतर से कत्ते प्रकार की एनर्जी कौन फ्रिक्वेंसी निकल रहा है। हरेक भूमि तो एगो सेम फ्रिक्वेंसी कैरी नहीं करी है। यदि कोनो समुद्री लेवल से बहुत नजदीक में है तो ओकर फ्रिक्वेंसी, एगो कोनो लैंड लॉक जगह है ओकर फ्रिक्वेंसी, दोनों में फर्क रहते।
ओही प्रकार से जेना अपने संसद भवन के अपना सब बात के लिए, तो संसद भवन के जो निर्माण है जो कार्य भेल है ओहिमे स्थलगत यदि निरीक्षण कयल जाए तो वास्तु को बहुत हद तक विचार नहीं कयल गेल है नेपाल के। नेपाल के नया अभी भारत वाला बनले है ओहिमे वास्तु के पूरा पूरी विचार कयल गेल है। अब भगवान की कृपा सनातनी पद्धति के ऊपर भारत सरकार के विश्वास के हिसाब से है, हालांकि नेपालों में सब कोई विश्वास करी छथिन बसरते एक तरफ ध्यान नहीं गेल होते से हम मानी छे यदि ध्यान जाए अपने अपने सब तो वो प्रधानमंत्री सब के साथ में भी बीच बीच में बैठे वाला काज करी छी ने फिर बाजू देवबाजी के विषय में कते बेर बात भेल कि हां सब से मिली छी के करके सबसे बड़का बात सब के नहीं कही छी हम सब एकेटा बात बुझी छी राम जी के जब तक कृपा नहीं होते तब तक कुछो नहीं सुधरे वाला है। भगवान की कृपा सबसे बड़का चीज है। अब इनका साथे बैठी छी नहीं बैठी छी किकरा सलाह देल जाए नहीं देल जाए तो बहुत अलग के बात हो गेल है, लेकिन हम सब एकटा चीज ई बुझी छियै कि नेपाल अपन तंत्र पद्धति पर विकास कर दे से नेपाल के यदि अपने नक्शा के अध्ययन कयल जेथिन नक्शों के हम सब यदि अध्ययन करी छे नेपाल के नक्शा के देख नीचा से उल्ट के तब एगो ऊपर के पराव ले छथिन जेना एगो सांप फन फूल ले नेपाल के अध्ययन जे कयल जाए तेकरा एगो तांत्रिक बॉडी के रूप में हम सब मानी छी। अधिकांश स्रोत एकरा ओनाहिते नहीं कहल जाए तो लैंड ऑफ टेम्पल मंदिर के देश है सैफ्रॉन कंट्री एकरा कहल जाए विदेश में तो नेपाल के यदि बचा ले जाए तो हाँ मणि है मुकुट है शरीर बहुत बड़का है शरीर में हट के कते बड़का स्थान है अंगूठा बराबर तो नेपाल भारत एगो अंगूठा बराबर हृदय है पूरा विश्व के हृदय है हृदय के अभी अवस्था की है प्रेशर बेसी बढ़ा देने अपन बुद्धि अपन तरीका से यदि चलल जाए तो नेपाल के विकास करे के लिए 3 वर्ष बहुत जाते हैं। अच्छा अमे विज्ञ सबके सलाह लेवे पड़ते वास्तु के विज्ञ के सलाह लेवे पड़ते ज्योतिष के विज्ञ के सलाह लेवे पड़ते राजनीति के विज्ञ के सलाह लेवे पड़ते अर्थ के विज्ञ के सलाह लेवे पड़ते जना हमर बैनाथ जी सब छथिन अपने सब छी अपने से मीडिया सेक्टर के विज्ञ सब के सलाह लेवे पड़ते कौन तरीका से विकास कयल जाए नहीं अकेले अकेले सब संशोधन कर देना है अकेले अकेले सब बना देना है वो तरीका से वह तो अभी नेपाल की स्थिति देखा जा रहा है कि हजार ने लाखों के मात्रा में ठान के युवा सब प्लान भकर जा रहा है मैंने जा विदेश तक के बाद ठान के नंबर व्यापार चल रहा है उसके बाद अपने के राजनीति अस्थिरता वो होने छे कभी वो प्रधानमंत्री बदल जाए कभी वो कभी मंत्री कभी वो अत ना उठा पटक भ रहा कि ठान के लोग के जीना मुश्किल भ गई ठान के जनता के मान लीजिए बड़का समस्या है। नहीं तो हम सब अभी देखी थी कि 2 से 3 वर्ष बहुत कष्टकर जीवन व्यतीत होते कारण कि शनि मंगल की युक्ति है वर्ष में शनि मंगल की युक्ति जब भी देखल गेल है ज्योतिष में ई कॉम्बिनेशन बनला के बाद में एक्सीडेंट चोट पटक महामारी ये सब चीज बहुत ज्यादा विकास हुई लैंडस्लाइड भ गेल है अपने के बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई हाँ अर्थक्वेक की स्थिति भूमि स्खलन की स्थिति यह सब बहुत निर्माण होते कैला तो शनि भगवान के कहा जाए तो लॉर्ड ऑफ जस्टिस न्याय के देवता मंगल छथिन भूमि पुत्र भूमि पुत्र अब अहू के पछाड़ी में एगो श्लोक है आ कोनो भी चीज निराधार न है एगो श्लोक अपने जे देखल जेथिन आ ई उनका लेल सब कोई के लेल ई हम शब्द बोल रहल छे जिनका ज्योतिष प्रति विश्वास न है ज्योतिष क्षेत्र प्रति अपने सबके ओहन आस्था न है एम्हरा के कैपलर थ्योरी ऑफ 9 प्लैनेट्स 9 गो प्लैनेट के बारे में कैपलर से बहुत बड़का साइंटिस्ट छलखिन वो अपन थ्योरी देने छलखिन कि 9 गो ग्रह एग्जिस्ट करे अभी से लाखों लाख वर्ष पहले एगो श्लोक बनल है जो सामान्य को पुरोहित अपने सबके घर में जाए हुई थी तो नवग्रह की जो पूजा हुई होती तो वही शब्द में ई स्तोत्र के कही हुई थी पाठ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सची भूमि सुतो बुधश्चः गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु एमे एगो शब्द है भूमि सुत के रूप में मंगल के जतायल गेल है मंगल के दर्शायल गेल है विज्ञान अभी खोज के कहल के कि हाँ मंगल पर भूमि के अवशेष बुझा रहा है लाइफ है ये संभव है मिट्टी के तत्व मिल रहा है यह चीज लाखों लाख वर्ष पहले वेद में है तो वही कि अपने के स्वीकार करे में बहुत दिक्कत है माथा में दर्द हो जाई है विज्ञान घुमा घुमा के ला रहा है वही वेद में से खोज के सब चीज और अपन पैटेंट लगा दे तो बहुत पसंद है
आधुनिकरण अपना आपके मॉडर्न बुझ के सब कुछ स्वीकार करी छथिन। अच्छा गुरु जी, वो बात आप बता दो, अंत में हम सब आज बतिया दे, पूरे समय केना बीत गेली पता नहीं चल पा रहल। नेपाल की स्थिति के बारे में अहाँ कहली कि 2-3 साल कष्टगर छे, लेकिन 2-3 साल के बाद में एठामन शांति पूर्व पूर्ण एठामन संभावना है, कते दिन में? आर्थिक दृष्टिकोण से हम 2-3 साल कष्टकर बतिल दिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से जे यदि कहल जाए अभी राजनीतिक स्टेबिलिटी आवे में समय लो, 2-3 साल से ज्यादा। चलो गुरुजी, अब समय अंत अंत में हम सब आ चुकल छी, अब अपने अंत में संपूर्ण दर्शक बिंद में की संदेश देबै चाहू? संपूर्ण श्रोता से जानकी टेलीविजन के जे अपने सब कोई देख रहल छी, ता चैनल के माध्यम से धर्म के प्रति जागरूक होय पड़ल, अपन धर्म के अपन माता अपन पिता तुल्य अपने के समझे पड़ल, कैला यदि अई चीज के अस्तित्व समाप्त भ जते त आवे वाला जीवन में आवे वाला जे अपना सब के जेनरेशन है, आवे वाला जे व्यक्ति सब हम अई थिन, उनका लेल जिए के आधार समाप्त हो जते। धर्म के अर्थ है धारण करे योग्य जीवन के पद्धति, जीवन के तरीका, जीवन के शैली। प्रश्न चिन्ह उठावे से पहले ऐ चीज के पूरा अध्ययन होय के चाही कि जे प्रश्न हम उठा रहल छी कत तार्किक हयो, कि आवे वाला समय में जे विद्वान थे वैसे बड़का बड़का विद्वान नहीं रहे पहले, अब इससे पूर्व के अध्ययन कर लेल जाओ। रावण जी का बहुत विद्वान आदमी सब छलखिन, सप्त ऋषि सबके अध्ययन देल गेल है वेद में, अश्वत्थामा जी का पराक्रमी व्यक्ति सब, दुर्योधन जी का व्यक्ति सबके दिखाएल गेल है दुष्ट के, कृष्ण भगवान जी का मार्गदर्शक सब दिखाएल गेल है। आखिर सब कल्पनी है, यदि ये सब कल्पना है तो दूसर धर्म एहन कल्पना कैला नहीं कर सकले, सनातनी पद्धति में एहन कल्पना कैला है, लेकिन नहीं, ये तोड़े के प्रयास है, ये टूटे से बचल जाओ। सब धर्म अति प्रिय है, सब धर्म एक चीज सिखावे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब कोई सुखी रहे आ सब कोई अपन जीवन के सुंदर तरीका से व्यतीत करे। कोनो धर्म काट मार हिंसा नहीं सिखा रहले, यदि सिखा रहले तो धर्म ना है, वो कोनो व्यक्ति कोनो संप्रदाय के कोनो एगो चालाकी है समाज के बांटे के, तो ऐसे सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, आ सब कोई भाईचारा से रहो, एकदम प्रेम से रहो, वही के तरीका के धर्म पर से दिमाग हटा के समाज के विकास में दिमाग लगाओ। चलो गुरु जी, अपने इतने व्यस्त समय निकाल करके जानकी टेलीविजन के लिए दिली, उसके लिए अपने के धन्यवाद दीजिए। हमरो तरफ से जानकी टेलीविजन और खास तौर पर वेनार जी के बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी की कृपा से हम जनकपुर से बिलोंग करी छी, सदैव जनकपुर से विशेष स्नेह है। जानकी टेलीविजन एगो गार्जियन के तौर पर से हम वेनार जी के देखी छी, पूरा जनकपुर वासी के हमरा तरफ से बहुत सारा स्नेह प्रेम आशीर्वाद। धन्यवाद। अपने आप देखे छलिए विवेक गुरु जी के, जेकि एगो एशियाई में नाम कह के अपन सबके जनकपुर धामों के नाम चललखिन, और एठामन जे कि कुछ भरम सब रहै छै, मान लेल जाओ ज्योतिष विद्या सब पर, ओहि सबके विषय में हम सब बात कैली, और भी आवे वाला समय में इनका से हम और भी बात सब करबै। अब हम सब अंत अंत में आ रहे थे, अपने सब देखे जानकी टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार, हम विदा चाहूँ।